झारखंड अधिवेश परिषद रांची ने आज वार्षिक माध्यमिक परीक्षा फल जारी कर दिया। इसमें छात्राओं ने फिर एक बार बाजी मारी और कुल परीक्षा फल का प्रतिशत 70.77 रहा। इसमें टॉप 10 में नेतरहाट के 5 छात्र और हजारीबाग की इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय के 5 छात्राएं रहे। माध्यमिक परीक्षा 2019 का परीक्षा फल प्रकाशित किया जा रहा है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है 4,38,256। पूर्व परीक्षार्थियों की संख्या है 3,10,158। 2018 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के परीक्षा प्रतिशत था 59.48% और 2019 की परीक्षा में इस बार उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत है 70.77%। 2,25,846 परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्राओं की संख्या 2,25,846। उत्तीर्ण छात्राओं की प्रतिशत है 68.67%। तो सामान्य जाति के परीक्षार्थियों की संख्या थी 2,29,130। सामान्य जाति के परीक्षार्थियों की संख्या 2,29,130, जिनमें से 1,61,981 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और इनके परीक्षा फल का प्रतिशत है 70.69%। परीक्षार्थियों की संख्या है 27,333 होगी कि पास परसेंटेज डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का क्या है, तो उसमें सबसे हाईएस्ट पास परसेंटेज है पलामू का 79.74%, रांची 76.426%। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पिछले वर्ष हम लोगों ने देखा था कि लगभग 1,00,000 परीक्षार्थी फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे। इस बार फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या है 1,67,916। ये रिजल्ट का क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट है। डिवीजन में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों परीक्षार्थियों का की संख्या है 1,25,883। 1,25,883 और थर्ड डिवीजन से उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या मात्र 16,389। गायब हो गया सर, माउस कहाँ से देखिए ना सर, सर का माउस कहाँ देखिए ना सर, माउस तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। परसेंट है और वह भी इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग की छात्रा है जिसको 99.2% है। फिर लड़की बात उसके नीचे नाम नहीं बता सकते हैं हम, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग 98.6% 98.5 इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग। पांच लड़के पांच लड़कियां है ना सर, छात्र है, रिपीट कर लीजिए, पांच छात्र हैं और इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय से पांच छात्र हैं। पिछले वर्ष 59.48% था
और इस बार रिजल्ट में सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का परसेंटेज है 70.77%। तो निश्चित रूप से इसमें हम लोगों ने भी प्रयास किया था कि मॉडल क्वेश्चन, 5 सेट मॉडल क्वेश्चन हमने दिया था और 5 सेट मॉडल क्वेश्चन हम एक साथ नहीं दिए थे। हम पहला मॉडल क्वेश्चन दे करके और 15 दिनों के बाद हमने फिर दूसरा मॉडल क्वेश्चन दिया था, या कहते हुए कि तब तक बच्चे उस मॉडल क्वेश्चन से तैयारी कर लें। फिर 10-15 दिन के बाद हमने तीसरा मॉडल क्वेश्चन दिया। इस तरह से इंटरवल गैप करके हमने मॉडल क्वेश्चन दिया था और हमको लगता है उसका भी प्रभाव पड़ा होगा। और दूसरी बात, हमने जितने भी प्रमंडलीय मुख्यालय थे वहाँ पर जाकर के, चाहे हजारीबाग हो, दुमका हो, चायबासा हो, अल्टनगंज हो, हम स्वयं सब जगह गए और सभी शिक्षकों को बैठा करके हमने कहा कि बच्चों के साथ जस्टिस होना चाहिए, बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, स्टेप वाइज मार्किंग होना चाहिए। और हमें लगता है कि हम लोगों ने जो प्रयास किया और सब जगह जो हमने प्रयास किया तो उसका प्रभाव पड़ा है और बच्चों का रिजल्ट अच्छा। इसमें से बालिकाएं जो है ज्यादा इस वक्त टॉप 10 में रही है, इसके बात करें तो इसमें क्या ज्यादा नहीं, 50% है। 5 इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय से और 5 नेता हाथी विद्यालय से, ये तो एकदम 50% है। ठीक है।